गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे अपने 11th क्लास में जो पहला पार्ट है संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में कुछ चर्चा की थी और उसका कुछ पार्ट रह गया था जिसमें संविधान सभा का प्रारूप इसमें दिया गया है, उसके निर्माण के बारे में चर्चा की थी अपने। अगर प्रारूप की बात करें तो इसमें सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हुआ। सांप्रदायिक आधार पर कैसे? मुसलमानों ने मुसलमानों को चुना, वहीं सिख ने सिख को चुना, वहीं हिंदू जो सामान्य थे उन्होंने उन सामान्य लोगों को चुना। और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया गया, जिसमें होता क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती क्या है, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि जो ये जो प्रतिनिधि हैं ये ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जनता की बात रखते हैं। और सत्ता जिस पार्टी की होती है उसके लिए ये मतदान करते हैं। ये जैसे अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये चुनाव इसका जो होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ऐसी ये प्रक्रिया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहलाती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ किया गया। यह अस्थायी सभा थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया था। यानी प्रारूप समिति के लिए किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। वहीं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यानी 22 जनवरी को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी एक तरह से इसके जो प्रारूप था संविधान सभा का उसको स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। यह डेट ध्यान रखना जरूरी है। स्वतंत्र भारत में संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। जो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें संक्षिप्त रूप से संविधान का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को जो अपना ध्वज है तिरंगा, क्या है, तिरंगा, इसको भी मान्यता मिल गई ही थी। वहीं भारत के संविधान में जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें अगर भारत की बात करें कि संविधान की बात करें जिसमें अनुच्छेदों की जो संख्या थी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेदों की संख्या थी 395। वहीं भाग जो थे वो थे 18, बाद में जाके 22 हुए, पहले 18 ही थे। आज की अगर बात करें तो भाग कितने हैं, 22 हैं, पहले कितने थे, 18 थे, अनुच्छेद वही है 395। वहीं सूचियों की बात करें, अनुसूची की बात करें, उनकी संख्या थी आठ।
और एक डेट में कल कुछ मिस्टेक हो गई थी, कैबिनेट मिशन जो था वो मैंने 42 बताया था, वो 46 कर लेना, उसकी डेट कितनी है 46 है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, 1946 में, 24 मार्च 1946 में ऐसे आया था। वहीं 26 नवंबर 1949 को ये संविधान स्वीकार किया गया, ध्यान रहे इन डेटों का बहुत ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, ये एक ही है। पूछ लिया जाए लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत यानी अंगीकृत किया गया। वहीं अगर लागू करने की बात आए, जनता को यानी फॉलो करना है उसको असेंबली के द्वारा, पहले तो इसको क्या कर दिया, ये प्रारूप समिति जो थी यानी एक तरह से संविधान सभा जो थी, इसमें यानी एक तरह से इसको स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है इसे लागू करना है, तब तो इसे स्वीकार किया गया। लेकिन जैसे ही अगर बात आती है जनता के लिए कब लागू किया गया, जनता के लिए इस चीज़ को, संविधान को, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। वहीं इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी इसको बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो विशालतम संविधान है, लिखित रूप से बहुत विशाल संविधान माना जाता है। और विभिन्न मुद्दों के लिए बहुत 8 कमेटियां इसमें बनाई गई, 8 कमेटियां इसमें बनाई गई, यानी संविधान को लागू करने के लिए, संविधान जब से बना और उसको लागू किया गया तब तक 8 कमेटियां बनाई गई, 8 कमेटी इसमें बनाई गई। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, संसदीय शासन व्यवस्था जैसे ब्रिटेन में, वहां पे भी संसद है, 2 सदन जैसे होते हैं, जैसे भारत की बात करें लोकसभा और राज्यसभा, इसे ही कहते हैं संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, जैसे भारत में संसद जो है जिसमें 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, यानी 2 सदन हैं, ये उच्च सदन कहलाता है, ये निम्न सदन कहलाता है, ये लोकप्रिय सदन है, इसमें जो चुनकर जो प्रतिनिधि जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, इसमें जो जाते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जाते हैं, यह जनता इनको डायरेक्ट चुनती है प्रत्यक्ष रूप से मतदान देकर। वहीं इनमें अगर राज्यसभा की बात करें तो इनमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वहीं संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, संघात्मक व्यवस्था कैसी, भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी कई राज्यों से मिलकर एक संघ बनेगा, देश बनेगा, और किसी भी राज्य को अलग होने का प्रावधान नहीं है, वो किसी भी स्थिति में यानी भारत से अलग उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। अगर बात करें अब इनकी संविधान के स्रोतों की, तो भारत का जो संविधान है विशालतम संविधान है, और इसमें विश्व के बहुत सारे जो देश हैं
उनसे यानी एक तरह से अच्छी अच्छी बातों को रखा गया है, ग्रहण किया गया है। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सभी देशों से यानी इन्होंने अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया गया है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत सारा जो पार्ट है वो तो 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, इससे लिया गया है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। किसको? 1935 भारत शासन अधिनियम। बहुत सारी बातें तो ये जो कि त्यों यानी भारतीय संविधान में रख दी गई हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अन्य देशों से भी ली गई हैं। जैसे 1935 का भारत सरकार का अधिनियम अन्य की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ की स्थापना की जाए और तथा केंद्र शक्तिशाली हो, ये बातें, जिसमें अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से सरकार का संसदीय रूप लिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले बताया था, संसदीय रूप जिसमें दो सदन होते हैं, है? संसद के संसदीय शासन प्रणाली में कितने दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। कानून के शासन का विचार यानी कानून रूपी शासन, वहीं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यही होता है। जैसे आपने मतदान किया और जिस पार्टी को अपने ज्यादा से ज्यादा मत दिए हैं तो वही विजित होगी, उसकी जीत होगी। तो ये प्रणाली कहां से ली है, ये प्रक्रिया कहां से ली है? ब्रिटेन से ली गई है। विधायिका में अध्यक्ष का पद यानी व्यवस्थापिका, जैसे संसद की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, वहां पे जो अध्यक्ष का जो पद होता है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, ये प्रक्रिया भी अपन ने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। और उनकी भूमिका, क्या भूमिका है एक लोकसभा अध्यक्ष की, राज्यसभा अध्यक्ष की, यानी एक तरह से वो अध्यक्ष के तौर पर विचार विमर्श करने के लिए एक अनुमति देता है, वहां जो प्रतिनिधि जाते हैं उनको अनुमति देता है, बोलने की अनुमति देता है। कानून निर्माण की विधि, वहीं एकल नागरिकता, भारत की अगर बात करें तो भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, अनेक संप्रदाय, धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन अलग से किसी को अलग से नागरिकता दो, नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। जैसे अपन से कहेंगे भाई कौन हो, इंडियन है, तो यहां पे एकल नागरिकता है, अमेरिका के नहीं लिए, दोहरी नागरिकता नहीं है। वहां राज्यों को, राज्यों की तरफ से और केंद्र की तरफ से दो नागरिकता मिलती है अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में एक एकल नागरिकता का, ऐसे ही भारत में है। अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों की सूची, यानी जो मूल अधिकार है जिनका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है, 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है। आज यह अधिकार होता तो यानी जीने नहीं देते लोग, उसको कानून रूप दे दिया गया है, यानी जिसके पास में संपत्ति ज्यादा है उसका यानी एक तरह से अपनी आय के अनुसार उसको बढ़ावा देना पड़ता है।
न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है, यानी अपन न्याय के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे छोटी अदालतें होती हैं, उच्च न्यायालय, उसमें अपन को न्याय नहीं मिला तो अपन उच्चतम न्यायालय जो से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिकों को स्वतंत्र रखा गया है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखा गया है, यानी एक तरह से न्यायपालिका के मामले में किसी प्रकार के उनके फैसले में दखलंदाजी ये नहीं करेंगे। वहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें अनुच्छेद में, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा संसद में महाभियोग लाया जाता है और इसको पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत, ये राज्यों के द्वारा लागू किए जाते हैं, लोक कल्याणकारी होते हैं, लोगों की हित में रहकर राज्यों के द्वारा लागू किए जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं वो कई राज्य लागू कर रहा है दूसरा नहीं करे उस चीज को, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल प्रक्रिया, ये भी आयरलैंड से है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है, जो राज्यों से चुन कर जाते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 10 कैंडिडेट चुन कर जाते हैं राज्यसभा में। वहीं कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है राज्यों की अपेक्षा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जो शक्तियों का जो लेख किया गया है वो केंद्र के पास में ज्यादा है, यानी आपातकाल स्थितियों में जब किसी बाहर देश के द्वारा बाहरी आक्रमण की बात करें या बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हो जाएं राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, तो ऐसी शक्तियों का जो निर्णय लेने का अधिकार राज्य के पास नहीं होता, वह केंद्र के पास होता है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, संवर्ती सूची है? और तीन तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, राज्य सूची से। तो तीन तरह की सूची होती हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। और अवशिष्ट कुछ शक्तियां होती हैं जो उसमें भी केंद्र का अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है आपातकालीन परिस्थितियों में, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दी गई है। जर्मनी का संविधान, जिसमें आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं, जिसमें 351, 356, 360 तीन अनुच्छेद हैं, तीनों अनुच्छेद 351, 356 और 360, 351 नहीं है, 352 है, 352 है, 352, 356 और 360, इनमें यानी एक तरह से आपातकाल सेवा लागू की जाती है। वहीं सोवियत संघ, रूस का संविधान, जिसमें मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के में न्याय, न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से न्याय का आदर्श स्वरूप भी किससे लिया गया है? सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य, जो 10 मूल कर्तव्य है तो 11 हो गए, यानी अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, ये 11वां मूल कर्तव्य है, जिनका उल्लेख संविधान में 51 के में रखा गया है। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना के स्वतंत्रता व समता यानी समानता और बंधुत्वता यानी भाईचारा के आदर्श जो स्वरूप है, वहां पे जो क्रांति हुई, फ्रांस की जो क्रांति हुई
उस क्रांति का जो मूल आदर्श थे जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व था, ये वहाँ से लिए गए हैं। तो भारत का जो संविधान है बहुत ही अच्छा संविधान है। गणतंत्रात्मक एक शब्द है, यानी जनता के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति वो शासन करेगा, लेकिन वो शासन जो करेगा वो व्यक्ति वो आनुवांशिक यानी एक तरह से वो ही शासन करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में उसका पुत्र शासन करे। यहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने की प्रणाली नहीं है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो व्यक्ति को चुना गया है जनता के द्वारा वही व्यक्ति शासन करेगा। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। कौन सी प्रक्रिया को? संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब तक कितने संशोधन हो गए हैं? 101 संशोधन के करीब हो गए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वहीं जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून रूप से ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारत के संविधान है जो जापान से ली गई है। आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर कल। धन्यवाद।